हेलो दोस्तों, देखिए आज का वीडियो मैं अपना शुरू कर रही हूँ इस प्यारे से सुंदर से फूल के साथ। और इसमें देखिए कितना प्यारा कलर आया है, एकदम मैजेंटा कलर्स है और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। और इसकी देखिए कितनी सारी कलियाँ इसमें मैं खिलने वाली हैं। बस रोज़ इसमें नए नए फूल खिलते रहते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं दोस्तों। देखिए इसकी सुंदरता तो बस देखते ही बनती है। ये देखिए ये कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं इसमें। ये देखिए कॉक्सकॉम में कितने प्यारे प्यारे कलर और कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। इस समय फूल पे बहुत ही अच्छी, सारे जितने भी प्लांट्स हैं सब में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। पहले मैं आपको अपने गार्डन के कुछ फूल दिखा देती हूँ। और ये देखिए ये थोड़ा सा छोटा साइज है लेकिन ये मॉर्निंग ग्लोरी ही लग रहा है मुझे। ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी का थोड़ा मिनिएचर वाला फूल है और कितना प्यारा कलर आया है इसका। गुलाब में भी मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी अच्छी कलियाँ आई हुई हैं। मेरे गुलाब तो बहुत ही अच्छे खिल रहे हैं दोस्तों। देखिए मेरे पास दो तीन टाइप के गुलाब हैं और ये सारे ही बहुत अच्छे खिल रहे हुए हैं। ये पिंक कलर का गुलाब मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है और इसमें मैं आपको दूर से फ्लावरिंग दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इसमें, पूरा मेरा पेड़ भरा हुआ है फूलों से। अगर हम इसके गुलाब के सीजन के शुरू में ही कुछ इसकी देखभाल अच्छे से कर लेते हैं, प्रूनिंग वगैरह, मैंने आपको वीडियो डाली है, अगर आपको देखनी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसकी तैयारी की थी गुलाब की। और फिर उसके बाद मुझे देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इसका, कलियों से और फूलों से मेरा पूरा पेड़ भरा हुआ है। देखिए कनेर के देखिए आप कितने बढ़िया फूल खिले हुए हैं। देखिए दोस्तों कनेर पे भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, पूरा पेड़ भरा हुआ है फूलों से। चलिए दोस्तों आज मैं जिस विषय पे आपको दिखाने जा रही हूँ, मैं बहुत दिनों से मेरा मन था ये स्वीट पोटैटो वाइन लगाने का पर मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने नर्सरी में भी ढूंढा, मुझे नहीं मिल पाई थी और फिर मैंने इस तरह से इसको पानी में ग्रो करने के लिए रख दिया था। और अब आप ये देखिएगा इसकी रूट्स कितनी अच्छी रूट्स आई हैं इसमें। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए दोस्तों कितनी लंबी रूट्स हो गई हैं और कितनी अच्छी आ गई हैं। पानी में मुझे चेंज करना है और एकदम वाइट रूट है इसकी। और साथ ही इसमें ये देखिए पत्तियां भी निकलनी शुरू हो गई हैं। देखिए दोस्तों मैंने इस तरह से एक प्लास्टिक का की बोतल काटी थी और उसमें इसको फंसा के और पानी के अंदर रख दिया था। देखिए दोस्तों इसकी रूट्स तो काफ़ी सारी अच्छी हो गई हैं, मैंने पानी भी चेंज कर दिया है लेकिन मैं अभी इसको इसी तरह से पानी में रखा रहने दूंगी क्योंकि इसमें थोड़ी सी पत्ते निकल आएंगे, उसके बाद मैं इसे पॉट में या फिर ग्रो बैग में लगाऊंगी। अभी इसी तरह से मैं इसको पानी में चलने दूंगी जब तक इसके पत्ते नहीं निकल आते। और मैंने एक और लगाई था स्वीट पोटैटो लेकिन उसमें से कोई ग्रोथ नहीं निकली, अभी भी ये पानी में पड़ा हुआ है। ये देखिए लेकिन मुझे तो एक ही मिल जाएगा, वही काफ़ी है, उसी से फिर मैं कटिंग कर करके बहुत सारे पेड़ बना सकती हूँ। तो चलिए दोस्तों आपको मैंने आज की अपनी गार्डन में क्या काम था वही दिखाया। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए।